मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्लाईवुड कारोबारी के बेटे ने अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बना ली। उसने कोरोना की फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट तैयार करके पत्नी को भेज दी और पत्नी से कह दिया कि वह कोविड सेंटर में भर्ती है। दरअसल यह मामला महू के छोटी ग्वालटोली थाने के पास सेंट्रल लैब का है। पुलिस के मुताबिक फरवरी 2021 में प्लाईवुड कारोबारी के बेटे एजाज अहमद की शादी हुई थी। उसकी शारीरिक कमजोरी के कारण दोनों का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण चल रहा था। इसी वजह से पत्नी से अनबन होने लगी तो वह पत्नी से दूर रहना चाह रहा था। इसी के बाद एजाज अहमद ने 25 मई को एक फोटोशॉप ऐप डाउनलोड किया और इंदौर के सेंट्रल लैब के एक पीड़ित व्यक्ति की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट को अपने नाम से बदलकर परिवार को दिखा दी। इससे कोरोना पॉजिटिव मानकर पति और परिवार वाले उससे दूर हो गए। एक महीने से ज्यादा का समय होने के बाद जब पति घर नहीं लौटा तो पत्नी को शक हुआ। पत्नी ने अपने पिता को रिपोर्ट की जांच के लिए कहा। पिता ने दामाद की रिपोर्ट की लैब से तहकीकात की तो पता चला कि रिपोर्ट ही फर्जी है। अब लैब ने कारोबारी के बेटे पर शुक्रवार को FIR दर्ज कराई है। पिता ने तुरंत सेंट्रल लैब की वेबसाइट से उसका टोल फ्री नंबर तलाशा और लैब की SRFD ID नंबर चेक कराया। लैब की तरफ से बताया कि कोविड रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कर मरीज के नाम की जगह एजाज ने अपना नाम एडिट किया है। वहीं रिपोर्ट की कॉपी आने पर सेंट्रल लैब की संचालिका विनीता कोठारी ने थाने में शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई। इस पर पुलिस ने एजाज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब उसकी तलाश में जुटी हुई है।